DSL के पैशन को प्लस करते जाएं. Only on Remy Speaks, brought to you by Zira Plus. एलिमिनेटर में क्वेटा ग्लेडिएटर्स फारे हो गए और दाद देनी पड़ेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्योंकि एक परफेक्ट हैंड खेला, रन ज्यादा नहीं किए. एक तो टॉस जीत के पहले बैटिंग की जो कि अमूमी तौर पे करते नहीं है, सो प्रेशर मैच था इसलिए पहले बैटिंग की और कोई 20-25 रन शॉर्ट थे, मगर फिर भी बहुत मेहनत की और मेहनत क्या थी, इससे ज्यादा अकल का इस्तेमाल किया उन्होंने बॉल के साथ, क्योंकि इमाद वसीम को नया बॉल कराना वो एक मास्टर स्ट्रोक थी शादाब की तरफ से और क्वेटा ग्लेडिएटर्स लुढ़कते गए. देखिए मिडल ऑर्डर इनएक्सपीरियंस था, जब आपके ओपनिंग पार्टनरशिप ना जमे, जेसन रॉय का बहुत ही सो टूर्नामेंट रहा और प्रेशर जब क्रिएट हुआ कप्तान पे राइली रूसो पे तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए. सो ओवरऑल बैड बैटिंग परफॉर्मेंस थी, हालांकि थोड़ा सा कमबैक किया था बॉल के साथ क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने, मगर रिचली डिजर्व करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड. अब उनको अपने फिर से खड़े होना है और पेशावर जलमी से भिड़ना है. आसान मैच नहीं होगा, मगर बाबर आजम को आउट कर लिया जल्दी तो शायद वो ये भी मैच पॉकेट कर लेंगे. बहुत आउटस्टैंडिंग हैंड खेले शादाब और उनकी टीम और उनको बहुत बहुत मुबारक हो. प्लस मोमेंट ऑफ द मैच, इमाद वसीम का इस्तेमाल करना नए बॉल पे. देखें दूसरी दफा है कि यहां पे कराची में उनको नया बॉल दिया गया और कंडीशंस को सामने रखते हुए गेम अवेयरनेस दिखाई, ऑपोजिशन को देखा और इनका इस्तेमाल शानदार किया और यही एक मास्टर स्ट्रोक थी शादाब की तरफ से. बहुत ज्यादा तारीफ इमाद वसीम की, क्योंकि ये बड़ा मैच था. बड़े मैच में आपका टेम्परमेंट टेस्ट होता है, स्किल वर्क टेस्ट होता है और उन्होंने पिच को सामने रखते हुए एक परफेक्ट परफॉर्मेंस दी. 10 में से 10 नंबर है इमाद वसीम के, क्योंकि गेंद को थोड़ा सा स्पिन भी किया, एक्यूरेट भी थी, 3 विकेटें भी ली और अगर पावर प्ले में आप इस तरह की परफॉर्मेंस करके दिखा दें तो फिर इसका मतलब यही होता है कि इनिंग्स जो है रन चेस सिचुएशन में लुढ़क जाती है, रिकंस्ट्रक्शन फेज में चली जाती है बहुत ही जल्दी और इसका सेहरा देना पड़ेगा इमाद वसीम को, क्योंकि क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए मुश्किल टारगेट नहीं होना चाहिए था. मैं समझ रहा था मैच 50-50 है क्योंकि 20-25 रन शॉर्ट किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, मगर जो इमाद वसीम ने मार का मारा वो आउटस्टैंडिंग था. बहुत अच्छे प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं ये, समझदार क्रिकेटर हैं, गेम को समझते हैं, अपने रोल को समझते हैं, क्लैरिटी है. हम बात करते हैं कि बड़ी सिचुएशन, मुश्किल सिचुएशन में यहां से माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपने करना क्या, आपका रोल क्या है. इनका रोल वेल डिफाइंड था, इनमें क्लैरिटी थी और फिर रन्स जब ये नहीं देते हैं तो फिर इनको विकेटें मिलती हैं और फिर रनिंग बिटवीन विकेट्स भी माशाल्लाह की क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने अपने पांव पे बार बार कुल्हाड़ी मारते रहे, जिसकी वजह से ये मैच जो है वो पहले 6 ओवर्स में ही एक तरह से डिसाइड हो गया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतने वाले हैं. बट इसका सेहरा जीत का जाएगा इमाद वसीम पे. स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए. स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, मार्टिन गप्टिल. देखिए बेंच पे बैठे रहे और मेक और ब्रेक मैच में इनको खिलाया गया, एक तरह से मजबूरी के तहत खिलाया गया क्योंकि कॉलिन मनरो अनफिट हो गए थे, मगर क्या रिस्पांस दिया उन्होंने, कहीं से ऐसा नहीं देखा कि पहला मैच खेल रहे हैं, रस्टी थे. ये पिच भी उनके मुताबिक बिल्कुल ठीक थी क्योंकि लंबे कद के हैं, थ्रू द लाइन हिट मारते हैं, ड्राइव अच्छी करते हैं और ये ड्राइव वाली पिच थी, मगर फिर भी टेम्परमेंट के की स्ट्रेंथ शो की और फिर पूरी इनिंग को वो लेके चले हैं, क्योंकि ये कहीं जल्दी आउट हो जाते तो यहाँ पे 170 भी नहीं करना था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने. तो उस लिहाज से टेम्परमेंट को सामने रखते हुए, सिचुएशन को सामने रखते हुए और ये कि अपना पहला मैच खेल रहे थे, इन सब चीजों को सामने रखते हुए सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने. गिगली टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, देखिए शादाब खान की कप्तानी. एक तो उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, 30 बारियों में से ये सिर्फ चौथा ऐसा इंस्टेंस था जहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, नहीं तो चेस करते हैं क्योंकि इनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो स्ट्रॉन्ग है, डीप है और इसीलिए प्रेफर्ड ऑप्शन जो है वो चेजिंग था. मगर सिचुएशन को सामने रखते हुए, ऑपोजिशन को सामने रखते हुए, पिच को सामने रखते हुए और ये कि ये प्रेशर वाला मैच था, इन चीजों को सामने रखते हुए एक बहुत ही अच्छा फैसला था, दिलेराना फैसला था क्योंकि आप अपनी इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट गए. सो यहाँ पे आपका डिसीजन जो था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था और इट प्रूव राइट. फिर गप्टिल को खिलाना भी एक तरह से रिस्की था क्योंकि मेक और ब्रेक मैच में एक ऐसे प्लेयर को डाल देना जो खेले नहीं है, सो उन पे ट्रस्ट किया गया. मनरो जो थे वो अनफिट हो गए, तो ये भी एक बहुत ही दिलेराना एक तरह से डिसीजन था. और फिर इमाद वसीम का इस्तेमाल करना,
पावर प्ले में, ये भी बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग तरह से उनकी सोच थी और एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि इमाद वसीम ने भी अपने आप को उठाया, खैर मौके को सामने रखते हुए बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी, मगर इसके पीछे जो एक एक जो गाइडिंग स्पिरिट थी या जो डिसीजन मेकिंग स्पिरिट थी वो शादाब थे और उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक प्लान था, स्ट्रेटजी थी, खासतौर पर बॉल के साथ, और जैसे मैंने कहा कि अभी 15-20 रन शॉर्ट किए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, 190 का स्कोर करना चाहिए था उनको, तो ये धचका तो लगा, मगर इस धचके के बावजूद बहुत क्लैरिटी थी। और बड़े मैचेस में जब प्रेशर होता है, जब टेम्परमेंट के इश्यूज कई टीमों को ले बैठते हैं, वहां पे क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ माइंड, रोल जो है वो डिस्क्राइब्ड हो, ये सब चीजें देखने को मिली। और इसका सेहरा जाता है शादाब को, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली दिखाई, बेहतरीन कप्तानी दिखाई और मौके के ऊपर ग्रेट डिसीजंस लिए। चाहिए।